उग्रवादी संगठनों द्वारा चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के आरंभ की खुशी में भगवा ध्वज सार्वजनिक स्थलों पर और जगह जगह लगाए गए। लेकिन नगर निगम की कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों के कर्मचारियों द्वारा शहर में सभी जगह लगे भगवा ध्वज निकाल कर कचरा गाड़ियों में फेंक दिए गए, जिसकी वजह से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। जबलपुर के तीन पत्ती चौक नगर निगम कार्यालय के समक्ष हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आक्रोश व्यक्त किया। शहर के व्यस्त क्षेत्र बड़ा फुहारा और कमानिया में भी हिंदूवादी संगठन आक्रोश व्यक्त कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि यह सोची समझी साजिश के तहत हिंदू धर्म संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। आक्रोशित हिंदूवादी संगठन के नुमाइंदे नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर घंटों प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद कमानिया गेट और बड़ा फुहारा इलाके में चक्का जाम कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को हटाने की मांग की है। ये परम भगवा ध्वज का अपमान, जो कि हिंदुओं के लिए परम पूजनीय होता है, इस तरह निकालकर कचरा गाड़ी में डालना, क्या हम अपने त्यौहार न मनाए? हम हिंदुस्तान में रहते हुए हम हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका हम सख्त विरोध करेंगे। और जिस तरह से कचरा गाड़ी में इन्होंने डाला है, हमारी अंतरात्मा छलनी हो गई है। ये कमिश्नर को तुरंत हटाना चाहिए। ये गलत बात है। दूसरे संप्रदाय के जब लगते तब नहीं हटाते वो इनके ध्वज। मैं सचिन नायक। कहीं ना कहीं कमिश्नर के रूप में यहाँ पर एक बहुत गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। जिस ध्वज का हम सम्मान करते हैं, उस ध्वज को निकाल करके उनने कचड़े की गाड़ी में डाल करके जो उसका अपमान किया है, उस ध्वज को हम नहीं, हमारे देवताओं ने उसका सम्मान किया है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने उसका सम्मान किया, और आज हम उसको अपने घरों में मठ मंदिरों में लहराते हैं। जिसको निकाल करके आज उसने कचड़े की गाड़ी में डाल करके वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए बहुत भयंकर उसको एक प्रकार से प्रताड़ित किया है। सर, ये अधिकारी इतने लेट आए, 5 घंटे से आप लोग धरने पे बैठे थे, क्या आश्वासन मिला आपको? कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी जो है, उसके निष्क्रियता के कारण ये स्थिति है कि आज 5 मिनट की रोड में आने में हमारे अधिकारी को 5 घंटा लग गए, और यहाँ पर हम लोग 5 घंटे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भरी धूप में यहाँ पर दे रहे हैं। जो इनकी मांग सुबह की थी उसके बारे में कलेक्टर साहब चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब को तो उन्होंने ज्ञापन दिया है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के कलेक्टर साहब ने। तो ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है। ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन के आधार पर जो कार्रवाई होना है वो होगी। उसके आधार पर उन लोगों ने बोला है कि उनका धरना समाप्त कर आखिर ये हुआ क्यों, इस प्रकार की स्थितियाँ क्यों बनी है? जो शुरू से मांग कर रहे थे कि जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब आ जाएँ, यहाँ पे कमिश्नर आ जाएँ, बात कर लें, क्यों नहीं आ पाए थे? और आखिर 4-5 घंटे यहाँ क्यों लग गया उसमें प्रशासन का? वो तो खैर देखिए, पहले जब कोई स्थिति बनती है तो सबसे पहले जो लोअर मजिस्ट्रेट्स हैं वो सब आते हैं, और आवश्यकता अनुसार जो वरिष्ठ अधिकारी आते हैं। तो उसमें भी तो कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी, तो वो उसमें बिजी थे, तो उसके बाद जब उनको खबर लगी है तो वो आकर के उन्होंने ज्ञापन लिया, बात करिए और ज्ञापन लेके आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया है? निगम कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई? उन्होंने ज्ञापन पे आवश्यक कार्रवाई के लिए वो आश्वासन दिया है, वो देखेंगे जो भी होगा कलेक्टर साहब करेंगे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर पूरे शहर को भगवामय बनाने के उद्देश्य से अपने अपने प्रतिष्ठानों, घरों पर और कहीं कहीं बिजली के खम्भों के किनारे पे जैसा हर साल लगता है उस साल के जैसा हमने अपने भगवा ध्वज लहराए थे, जिसका नगर निगम कमिश्नर द्वारा विरोध किया गया। और आज सुबह से सारे लगभग सभी जगहों पे, खास तौर से हमारे बड़े पुहारे पे भी इन्होंने भगवा झंडे निकलवा दिए। इससे ये प्रतीत होता है कि ये हिंदूवादी व्यक्ति नहीं है, ये कहीं ना कहीं से अवसाद से ग्रसित है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। इस विरोध के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने फुहारे का चक्का जाम किया हुआ है। पूरे शहर के नगर निगम के द्वारा झंडे निकाले जा रहे हैं, और निकालने के बाद में उसको कचरा गाड़ी में रखा जा रहा है, जिसका हम सब लोग तीव्र विरोध करते हैं। जय श्री राम। यतीन उपाध्याय, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, मां नर्मदा, जिला जबलपुर। जबलपुर से आशीष पाथरे की रिपोर्ट।